दफा पाइथन 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 करने ए आई ए आई ए आई ए आई ए आई करने से ए आई नहीं आनी ना आपको तवीज़ बनाने से ए आई आ जानी है ना आपको फूके मरवाने से ए आई आनी है ना आपको किसी बड़े बाबे अंग्रेज से एक दफा उसकी नजरों में आना है और आपको ए आई आ जानी है यू हैव टू लर्न ए आई यू हैव टू डू ए आई यू है मतलब जो भी आपकी टर्म्स या दिन का या रात का स्केडूल है उसको बदलेंगे तो इन चीजों को सीख पाएंगे इसी से इस लेक्चर का मैं आगाज करता हूं कि पाइथन को सीखने के लिए खुद को मारना पड़ना है खुद को मारने के लिए आपको तीन चीजों का बेसिक ख्याल रखना है पहली चीज क्या है कि एरर से घबराना नहीं है अगर कभी गलती आ जाए उससे घबराना नहीं है उसके पीछे हाथ धो के बल्कि नहा धो के पड़ जाना है दूसरी चीज कोडिंग बराए कोडिंग नहीं करनी कोडिंग को समझना है और मैं आपको कोडिंग इन शाला इस तरीके से तोड़ तोड़ के हिजे कर करके बताने वाला हूं कि आपको इंशाल्लाह कभी भूलेगी नहीं तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिन रात का ख्याल नहीं करना कि रात बारह बज गया मैं सो जाऊं हम लोग अल्लाह की तरफ से ऐसी कॉम में पाए जाते हैं वी नीड टू वर्क रेरी वेरी हार्ड टू डू आपको पता है अगर एक जॉब है तो हजारों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो स्टैंड आउट करने के लिए आपको आगे आना है यहां पे एक मैं मिसाल देता हूं वो लोग जो रात को सो रहे होते हैं ना जब वो कंपटीशन में आएंगे ना उन लोगों के जो रात को जाग के मेहनत कर रहे होते हैं तो रात को जागने वाले उनको रोनते हुए आगे चले जाएंगे इतनी स्पीड से निकलेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा कंपटीशन था किस ब्ला के साथ तो बेहतर ये है कि वो ब्लाक बनना स्टार्ट कर दें लेट्स गन अब जो काम हम करने जा रहे हैं पाइथन में कोडिंग करने जा रहे हैं मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर हो चुकी है एंड एम गोइंग टू से समथिंग बिफोर स्टार्टिंग द कोडिंग टास्क वो क्या है गूगल पे अभी जाए आप और जाने के बाद एक बुक का लिंक में आपको बताने लगा uh, मैं यहां पर पे इसे पेस्ट करता हूँ यह बुक है जनाब और यह बुक टोटली फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन यू डोंट नीट टू पे इवन अ सिंगल पैन ही फॉर दिस आप अगर Python इथन फॉर डेटा 3e ये लिखेंगे ना यहां पर पाइथॉन फॉर डेटा 3e तो आपके पास पहला ही लिंक आ जाएगा वैस वैस McKinney का ठीक है जिसने ये बुक लिखी है और तीन एडिशन लिखे जा चुके हैं ये इस वक्त की लेटेस्ट बुक है किसी भी बुक से क्यों क्योंकि ये अप्रैल 2023 के अंदर इसमें चीजें अपडेटेड हुई हैं रिसेंटली और मैं इस बुक को फॉलो करके आपको पढ़ाने वाला हूं पाइथन की कोडिंग और चैप्टर वाइज हम आगे चलेंगे अगर कोई लोग आप में से मेहनत करने वाले हैं जैसे मैंने पहले अर्ज की और वो मेरे से भी एक हाथ आगे जाना चाहते हैं पढ़ाते हुए यकीन माने इससे ज्यादा मुझे खुशी कहीं और पे नहीं होगी यहाँ पे ज्यादा होगी कि आप मेरे से आगे निकलें और मेरे से आगे कोडिंग सीखते जाएं और मुझे बता रहे हो कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं आप सिंपली इनके चैप्टर्स पढ़ें पढ़ें प्रीफेस प्रीलिमिनरीज पढ़ें और यहाँ पे इसने बताया कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं लैंग्वेज कैसे चलेगी किस तरीके से हमने सीखनी है कोड सारे दिए हुए हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड वी आर गोइंग टू लर्न दिस वन बाय वन ठीक है so so one one, ये यहीं से मैं एज ए रेफरेंस आपको लेके चलूंगा ठीक है अगर कहते हैं तो मैं इस बुक का लिंक जो है वो आपको भेज देता हूँ बाय द वे जो लोग रजिस्टर्ड हैं अगर वो गौर करें तो ये बुक का लिंक ऑलरेडी उस वेबसाइट में मिला हुआ है जहां पे मैं अपने कोर्स को अपलोड कर रहा हूँ राइट आपको पता है अगर नहीं पता तो पहली बुक ही मैंने ये मैंने रिसोर्सेज के अंदर यही रखी है और जो यूट्यूब पे बैठे हैं उनको मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ इस बुक का लिंक ताकि ये उनके पास सेव हो जाए बल्कि मैं जूम की चैट में भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास भी ये वाला बुक जो है वो सेव हो जाए अगर किसी ने कोडिंग सीखनी है पाइथॉन की बेसिक्स फॉर डेटा एनालिसिस क्योंकि डेटा एनालिसिस एआई है अगर आपको ये आ जाती है तो देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू लर्न ओके okay जी करें स्टार्ट जी क्या ख्याल है कोई मसला मसायल तो नहीं है ना किसी को नहीं होना चाहिए काम करते हैं, तो आप एक idea, और ये फोल्डर जो मैंने बनाया था इसे भी डिलीट करता हूं ये मेरे पास एक खाली फोल्डर पड़ा हुआ है ठीक है डॉक्यूमेंट्स के अंदर ए आई का चिल्ला जो पिछले लेक्चर में हमने बनाया था अब यहां पर हम एक फोल्डर बना रहे हैं जिसका नाम मैं अब रखूंगा पाइथॉन प्रैक्टिस ठीक है इसको आप बेसिक्स भी बोल सकते हैं प्रैक्टिस भी अपनी मर्जी से अपना नाम रख ले इस फोल्डर का ठीक है और इस फोल्डर के अंदर हमारा जितना भी प्रैक्टिस का काम होगा वो आएगा अब मैं जैसे ही इस फोल्डर पे क्लिक करके रखता हूं और फाइल पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक नई फाइल आ जाती है ठीक है इसको मैं बोलता हूं जीरो वन अंडर स्कोर और इसको मैं बोल देता हूं ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स डॉट पाई ठीक है इस फाइल के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग से काम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही आसानी से स्टार्ट करेंगे दो जमा दो इज इक्वल टू चार इस तरीके से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैं अंग्रेजों के बनाए हुए मुश्किल तरीकों को रद्द करते हुए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं उसकी रीजन भी क्या है क्योंकि मुझे पता है कि एज ए देसी बंदा हम किन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं और किन पे काम करते हैं ऐसे ही है है कि नहीं बुक्स को जरा छोड़ दें जो मैंने अभी आपको है कि चीज तो मैं पहले दस बताइए पीछे पे सारे मैं सुन लो मैं आप लोगों के लिए बैठा हूं ओके लेट स्टार्ट अच्छा जी मैं यहां पे थ्री प्लस फोर अगर लिखता हूं इसका आंसर क्या है प्लस फोर कितने होते हैं सेवन होते हैं राइट right? अब आपने यहां से जब भी ये चलाना है एम एल इनवायरमेंट सेलेक्ट किया हुआ है यहां पे थ्री प्लस फोर मैंने लिखा अब आप इस प्ले के बटन पे अगर दबाते हैं रन पाइथन फाइल तो क्या ये रन होती है चेक करें जरा या नहीं होती और क्या ये आपको आंसर देती है या नहीं देती हाँ जी आप लोग फाइल बनाए मेरे साथ साथ निंग अगर आप यहां पर लिखें प्रिंट और इसके अंदर लिखें वी आर लर्निंग पाइथन विद कोडेनिक्स और आप साथ में ब्रैकेट के अंदर ये इन्वर्टेड कोमस लगाए फिर इसको रन करके देखें क्या ये रन करी अब आपके पास आंसर आ रहा होगा ऐसे ही है ये चेक करें समझ आई बात की कुछ आपके पास ये रन कर रही होगी इसका मतलब ये है कि जब मैंने ये प्रिंट वी आर लर्निंग पाइथन विद गोडेनिक्स लिखा उसने यहां पे ये मुझे प्रिंट करके दे दिया मतलब टर्मिनल में मेरे पास प्रिंट होके आ गया अब आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं उसको सुनिएगा मैं अगर प्रिंट की बजाय पे सिर्फ लिख सलाम। मतलब ये वही वाला सलाम है जो आजकल बड़ा मशहूर हुआ है सलाम वालेकुम तो ये वो वाला सलाम है मैंने वो लिख दिया यहां पे, ठीक है अब अगर, अगर इसको रन करता हूं वो नीचे कहने लग जाता है नेम सलाम इज नॉट डिफाइंड यानी कि नेम एरर ऐसे ही है अब आपको मैं एक बात समझाता हूं गौर से सुनिएगा आप जब किसी से बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगला बंदा किस जुबान में बात समझता है या उसको कौन सी जुबान आती है देन वो आपकी इंफॉर्मेशन को गेन कर पाता है ठीक है इसी तरीके से अगर आप किसी जर्मन बंदे से बात करते हैं और आप उर्दू में बोलते जाए उसको खाक समझ आनी या वो जर्मन में बोलता जाए आपको खाक समझ आनी है सो यू नीड टू फाइंड अ लैंग्वेज जो आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सके या आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके दैट माइट बी इंग्लिश ठीक है इसी तरीके से जब आपने सॉफ्टवेयर से बात करनी है आपको उसकी लैंग्वेज से उससे बातें करनी चाहिए मतलब उसकी लैंग्वेज आप बोलेंगे तो वो सीखेगा अगर मैं इसको बोलूं कि यार पाइथन मेरा नाम तो लिखो यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूं अमार और मैं यहां से रन करता हूं पाइथन को मैंने बोला अमार लिखो वो कहता एरर आ रही है चलो यदि मिन्त पा के देख लेने प्लीज राइट अमार मैंने उसको मिन्नत समाजत करके भी देख लिया वो कहता इनवैलिड सिंटैक्स तो यहां से हमें समझ आई इन वैलिड सिंटेक्स सिंटेक्स होती है वो लैंग्वेज जिसके थ्रू आप एक प्रोग्राम प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट करते हैं इसको प्रोटोकॉल भी बोला जाता है अब यहां पे प्लीज राइट अमार, देख लो मेरे भाई ने एक मिन्नत का लेवल और ऊपर कर दिया मतलब चौक के जरा कम खींच के चल भाई दस वो कहता ना मैं नहीं मानता बात

फिर मैं सभी को सिलेक्ट करके इन्वर्टेड कॉमास लगाता हूं क्योंकि मुझे पता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इन्वर्टेड कॉमा लगाए तो एज इट इज वो चीज को लिख देते हैं मैंने लिखा फिर वो कोई प्रिंट नहीं किया उसने कुछ भी इसका मतलब ये हुआ कि आई नीड टू राइट इन अ वे पाइथन को समझ आए कि भाई अब लिखना है और वो तरीकाकार क्या है जब पाइथन को आप बोलते हैं प्रिंट तो प्रिंट होता है एक फंक्शन ये क्या करता है प्रिंट करता है जब आप ब्रैकेट खोलते हैं प्रिंट का मतलब आप कहते हैं पाइथन प्रिंट करो क्या ये जो है लिखा हुआ आप ऐसे बना के उसे बताते हैं कि ये जो इसके अंदर है वो है ब्रैकेट्स ठीक है अगर ये जो इसके अंदर है वो है और वो एक इंग्लिश लैंग्वेज है फॉर एग्जाम्पल अमार ए ए एम एम ए आर ये क्या है नाम है तो इसके इर्द गिर्द आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे और इस डेटा टाइप को बोलते हैं स्ट्रिंग अब वो समझेगा ठीक है अमार प्रिंट होके आ गया विदाउट एनी एरर्स इस चीज को बोलते हैं स्ट्रिंग एस टी आर आई एन जी ये वो वाली स्ट्रिंग नहीं है जो बबल गम की तरह पीते हैं हम एनर्जी ड्रिंक समझ के ये है स्ट्रिंग एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग समझ आ गई इसको दो इन्वर्टेड कोमा के साथ भी लिखा जा सकता है और अगर मैं प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कोमा के साथ लिखूंगा कोडेनिक्स तब भी ये प्रिंट कर देगा पहले उसने किया अमार प्रिंट फिर किया कोडेनिक्स प्रिंट अगर मैं इसको तीन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना चाहूं एक दो तीन अमार फिर मैं नीचे जाता हूं कोडेनिक्स एक दो तीन डबल वाला भी करता है और ट्रिपल वाला भी ये तीनों स्ट्रिंग है यानी कि यह जो करेक्टर्स है जो इंग्लिश लैंग्वेज के आपके पास आते हैं दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स और ये सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों साइडों पर डबल और ट्रिपल इस तरीके से लिखे जाते हैं अगर आप मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स लिखना चाहते हैं तो आप ट्रिपल कॉमा यूज करते हैं ठीक है इस वजह से मैंने ट्रिपल कॉमा यूज किया अब एक और बात नोट करें जैसे मैं इसको रन करता हूं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है लाइन बाय लाइन जो कोड होते हैं लाइन नंबर एक लाइन नंबर दो लाइन नंबर तीन लाइन नंबर चार ये हमने कितनी लाइनें लिखी हैं कोड की चार ठीक है और आप चेक करें कि लाइन वाइज ये प्रिंट हो रहा है यानी कि जो ऊपर हो रहा है उसके बाद अगला होगा उसके बाद अगला होगा उसके बाद अगला होगा यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे ये चार लाइनें हमने लिखी हैं और आप थक से गए हैं। आप जरा गूगल करेंगे कि गूगल कितनी लाइंस ऑफ कोड पे مشتمل है गूगल का प्रोग्राम असलीले एप्स बनानी है सिर्फ गूगल पे जाएं यहां पे मैं लिखता हूं उ मैनी लाइन्स ऑफ कोड आर इन मैं यहां पर लिखता हूं गूगल टू बिलियन लाइन चार लिख के ऐजे थक गए अभी मुकाबले करने गूगल न समझ रहे हैं बात को टू बिलियन लाइन ऑफ कोड यहां पर आप लिखे माइक्रोसॉफ्ट फिफ्टी मिलियन विंडो की है। चलो ये नहीं जनाब चैट जीपीटी की बात करते हैं लाइन ऑफ कोड बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोग्रामिंग बात है डिपेंड करता है कि किस चीज की आप देख रहे हैं ये वन हंड्रेड टेन नहीं है सिर्फ देय माइट बी मोर देन दैट अब यहां पे करते हैं जी गेम्स कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की देख लेते हैं चले पैंतालीस मिलियंस लाइन है पैंतालीस मिलियन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जिसे आप यूज करते हैं बिंग की कितनी है सैकड़ा हजार लाख करोड़ अरब टू बिलियन के so हमने चार लिखी है, तो हम इसका मतलब है अब आगे चलते हैं अगर आप अंदाजा लगाए कि मैं अगर रोजाना एक सेकंड में पांच लाइनें भी लिखूं तो पूरी जिंदगी में शायद उस उन लाइनों तक ना पहुंच पाऊं इसी वजह से थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं उनके सो so एक बंदा नहीं लिखता वो नहीं परेशान हो जाना क्या किन लिखती है के दिल करे ऐसा नहीं है लिख दी अब मैं क्या करता हूं यहां पे मैं दो लिखता हूं प्लस तीन लिखता हूं ठीक है जो मैंने पहले भी लिखा था मैं इसको यहां से रन करता हूं आप चेक करें उसका कोई जवाब नहीं आया मेरे पास ऐसे ही है क्यों नहीं आया लेट्स ट्राई लाइक दिस प्रिंट टू प्लस थ्री पांच समझ आई उसकी जुबान के अंदर बातें करनी है हमने भाई हमने अपनी जुबान के अंदर नहीं करनी ठीक है समझ आ ये अब मेरी बात याद रखें. ये जो मैंने दो और तीन को प्रिंट किया ये जो अकेला दो है दिस इज कॉल्ड

अगर मैं लिखूं प्रिंट और यहां पे लिखू थ्री पॉइंट फाइव माइनस टू इसका क्या आंसर आएगा जी टू पॉइंट वन कर देते हैं इसका क्या आंसर है बड़ी बेसिक मैथमेटिक्स है वन पॉइंट फोर जो पॉइंट्स के अंदर चीजें आ जाती है ना डेसिमल पॉइंट्स में इन्हें बोला जाता है फ्लोट एफ एल ओ ए टी फ्लोट ठीक है समझ आई बात की अब अगर आप इन्हीं के सामने लिखना चाहते हैं कि ये क्या है फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट ये क्या हमने इसको बोलते हैं इंटीजर या मैं ये लिखता हूं यहां पे दिस इज एन इंटीजर ठीक है मैं अगर ये लिखूं मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहा हूं ये मैंने लिखा अब आप देखें कि ये सारी चीज और ये सारी चीज ये इकट्ठी लाइन ऑफ कोड है जैसे मैं इसे रन करता हूं एरर आगे नहीं चाहिए इनवैलिड सिंटैक्स है और वो एग्जैक्टली exactly मुझे बता भी रहा है कि कहां पे इनवैलिड वो कहता है कि ये जहां पे आपने दिस लिखना स्टार्ट किया ना उस साथ में बता भी रहा है कि यहां पे, ठीक है एरर पढ़ने का तरीका उधर कोई मसला है तो अगर मैं यहां पे इसके पीछे हैश लगाता हूं ना हैश टैग तो अब ये कोड का हिस्सा नहीं है लाइन का हिस्सा जरूर है एंड दिस इज कॉल्ड कमेंट्स कमेंट कहते हैं कमेंट कहते हैं कहते नहीं है कि लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट कर दें ये वो वाला कमेंट है जो कोड को कर रहे हैं आप इससे क्या होता है आपकी ब्यूटिफिकेशन बढ़ती है कोड की आप साथ साथ लिख सकते हैं कि यह क्या है फ्लोट है ये यह, और यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये स्ट्रिंग है ठीक है और बेसिकली आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं हाउ टू राइट स्ट्रिंग। ये ये मैंने यहां से स्टार्ट किया, कोड नहीं है आप, ये सिर्फ सिर्फ टेक्स्ट है, जो कोड के अंदर रहेगा, रन नहीं होगा ठीक है साइड पे भी लिख सकते हैं और स्टार्ट में भी इस तरीके से ठीक है और यहां पे आप लिख सकते हैं ऑपरेटर्स स्पेस भी दे सकते हैं बड़े छोटे जो मर्जी यहां पे लिखते जाए और VS कोड की खूबसूरती क्या है जैसे ही आप हैशटैग लगाते हैं ना तो ये ग्रीन हो जाता है इसका मतलब दीज आर कमेंट्स इसको रिमूव करते हैं डिफरेंट कलर्स में आ गया दैट मींस इट्स अ पार्ट ऑफ कोड ठीक है इस तरीके से आप करते हैं और अगर मैं यहां पे इस लाइन पे आके कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा तो ये कमेंट क्या हो गया कमेंट इन हो गया अगर मैं दोबारा से दबाऊंगा कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश तो ये हो जाएगा कमेंट आउट तो आप हैश टैग लगाने की बजाय सिलेक्ट करके कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा सकते हैं कंट्रोल प्लस ये वाली स्लैश ये जो मैंने अभी लगाई है ठीक है समझ आई बात की मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं और अगर ये वाली फाइल्स मुझे तंग करें मैं उसमें मिनिमाइज करता हूं ये वाली स्लैश फॉरवर्ड स्लैश जो आगे को झुकी होती है कंट्रोल प्लस ये वाली स्लैश मैं इसको दबाता हूं तो मेरे पास ये इस तरीके से कमेंट आउट हो जाती है चीज ठीक है जी फ्लोर की समझ आ गई इंट की समझ आ गई आपको स्ट्रिंग की समझ आ गई ठीक है अब आगे चलते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है यहां पे ऑपरेटर्स क्या होते हैं ऑपरेटर्स को पढ़ने के लिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं ए इज इक्वल टू और इसके अंदर वन टू थ्री ये लिख देता हूं मैं वन कोमा टू कोमा थ्री तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट है या आप इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं सम केसेस में यानी कि ए के अंदर ये तीन वैल्यूज हैं और अगर तीन के तीन वैल्यूज को इकट्ठा लिखना है वी हैव टू पुट स्क्र ब्रैकेट अराउंड इट स्क्र ब्रैकेट स्क्वेयर ब्रैकेट को उर्दू में क्या बोलते हैं यार चौरस ब्रैकेट तो नहीं होती बाय द ये बड़ी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट एक होती है दरमियानी एक होती बड़ी तो ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी अब ए जो है वो इसके अंदर स्टोर हो गया अब अगर मैं बी लिखूं बी इज इक्वल टू और यहां पे लिखता हूं 3, 4, 5 बल्कि 4 5 6 कर लेते हैं ये कर लिया मैंने अब ए और बी ए क्या है हमारे पास एक वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वैल्यूज ये हैं और ये जो वैल्यूज हैं इसको हम लिस्ट बोलते हैं जब स्केयर ब्रैकेट आएगी इन चीजों को हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स लिस्ट ऑफ क्या है ये आई एंड टी इंटीजर्स जो ऊपर पढ़े हैं हमने एक दो तीन चार पांच छः सात ठीक है हमारे खैर से वो जो अस्सलाम वाले हैं वो सरगम के अंदर एक दो तीन चार पांच छह भी बोलते हैं अगर किसी को नहीं बता दो तो इस तरीके से ए और बी हमारे पास आ गया अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास इसको मैं जब रन करूं तो मेरे पास आंसर तो आ रहा है लेकिन ए भी कुछ नहीं आ रहा हमारे पास अगर आप गौर करें ए बी का कुछ भी नहीं आ रहा पीछे वाले आंसर आ रहे हैं तो व्हाट आई कैन डू मैं उन सभी को कमेंट आउट कर सकता हूं सभी को मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश वो कमेंट आउट हो गए अब मैं इसको रन करता हूं कुछ भी नहीं आया रीजन क्या है हमने प्रिंट नहीं लिखा मैं अब क्या करता हूं प्रिंट लिखता हूं जहां पे मैंने लिखना था वन टू एंड थ्री वहां पे सिर्फ ए लिखूंगा तो हमारा काम बन जाएगा लुक ए लिखा है हमारे पास तीनों की लिस्ट आ गई क्यों यार ये या वही चीज है जो बचपन में मैथ के टीचर नहीं आपको कहते थे सपोज सपोज तो हमने क्या किया ए लिखा यहां पे प्रिंट करके ए आ गया अगर मैं प्रिंट करके बी लिखता हूं तो ये हमारे पास बी आ जाएगा यहां पे अगर आप गौर करें ठीक है ये दोनों चीजें गौर करें अब एक कारस्तानी हमने चलानी है यहां पे ऑपरेटर्स यूज करना स्टार्ट करने पहला ऑपरेटर है प्रिंट करने के बाद ए प्लस बी ठीक है जैसे हम ए प्लस बी करेंगे यू विल सी अ चेंज लाइक दिस अब आप चेक करें होना तो ये चाहिए था एक चार में जमा हो जाता दो पांच में तीन छे में ऐसे होना चाहिए था ना लेकिन जब हम लिस्ट्स की बात करते हैं तो ये दोनों क्या कर रही हैं आपस में कॉन्केटिनेट कर रही हैं मतलब दोनों आपस में इकट्ठी हो गई हैं मैं आपको मिसाल देता हूं बड़ी अलग किस्म की दो भाइयों की औलादे हैं दोनों डिफरेंट घरों में रहती हैं दो भाइयों के फॉर एग्जाम्पल तीन तीन बच्चे हैं दोनों डिफरेंट घरों में रहते हैं ईद के दिन वो इकट्ठे हुए हैं उसको हम लिटरली क्या बोलते हैं इनको हम जमा कर रहे हैं ठीक है दोनों घरों की औलादें जमा हो गई हैं तो वो छह लोग होंगे कि तीन बड़े हो जाएंगे छे होंगे ना तीन उसके तीन उसके दैट इज हाउ लिस्ट वर्क ए नहीं करना उन्होंने एक मोडे खड़े करके कहता था कि चलो भाई ये बड़े हो गए ऐसे नहीं होता सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स विच वी आर कंकैटी समझ आ गई यहां तक कि नहीं आई आई के नहीं आई आ गई तो ये जो प्लस का ऑपरेटर है ना प्रोग्रामिंग के अंदर इसका मतलब नहीं है कि दोनों चीजों को जमा कर रहा है अक्सर किया था टू प्लस थ्री को ये फाइव था यहां को इकट्ठा करके दिखा रहे ठीक है इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं अगर हम यहां पर अब मेरी बात गौर से सुनिएगा अगर हम यहां पे फॉर uh, एग्जांपल हम कहते हैं एक और ऑपरेटर है प्रिंट करके हम लिखते हैं ए हम कहते हैं ए जो है फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं ए इज इक्वल टू बी लेट्स सी टाइप एरर लेट मी सी क्या मसला है यस, डबल इक्वल टू लगाएंगे इसका भी आपको समझाता हूं सिंगल इक्वल का क्या मकसद है और डबल का क्या है अब यहां पे हमने बोला ए और बी दोनों बराबर हैं, यानी कि जो ए में वैल्यू है वन वो बी में भी वन है ए में वैल्यू अगर टू है यहां पे भी टू है ए में थ्री है तो यहां पे भी थ्री है तो प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप ये चेक करते हैं कि क्या दो चीजें आपस में एक जैसी हैं तो आप लिखते हैं डबल इक्वल टू उससे क्या होता है यहां पे आपके पास आंसर आता है या तो ट्रू में आता है या फॉल्स में आता है ठीक है मिसाल के तौर पे मैं यहां पे एक C बनाता हूं दोबारा से सी के अंदर मैं लिखता हूं 4, 5, 6. अब आपको समझ आएगी मैं यहां पे क्या करता हूं इसी को कॉपी करके नीचे लिखता हूं जनाब बी इज इक्वल टू डबल इक्वल टू सी और इसको मैं रन कर देता हूं सी अब आप देखें कि यहां पे ट्रू आंसर आ रहा है मतलब ये जो बी की वैल्यूज हैं वो सी की भी हैं और अक्सर औकात हम इक्वेलिटी देख रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर और बड़े बड़े डेटा सेट्स की देख रहे होते हैं उस 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 तरीके से हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं एंड देर आर मेनी अदर ऑपरेटर्स एज वेल जो इंशाला हम गाहे बगाहे देखते जाएंगे यहां तक आपको समझ आ रही कोई मुश्किल तो नहीं चीज क्या ख्याल है अच्छा ये जो ट्रू एंड फॉल्स आपके पास आंसर आ रहे हैं ना दीज आर कॉल्ड बुलियन ऑपरेटर्स यानी कि बुलियन है ये या ट्रू है या फॉल्स है पी डब्ल्यू एल ई ए एन बुलियन बुली समझ गए होंगे एन बुलियन ठीक है ट्रू फॉल्स यस नो जीरो वन ये तकरीबन सारी चीजें जो है वो इसी तरीके से लिखी जाती है बाय द वे आपको समझ आ गई होगी अभी अब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे आगे चलते जाएंगे और और प्रोग्रामिंग जो है उसे सीखते जाएंगे बट फॉर नाउ ऑपरेटर्स को यहां पे हम थोड़ा सा स्टॉप लगाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसको बाकी को देखेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी बिन ऑलमोस्ट टू आवर्स for this lecture.